बिहार के छोटे शहर और कस्बे अपनिया वखरियां मिठाइया मशहूर ने। इतों के शुद्ध खोए और रामलाने नाल बनी मठियाई लाई का नाम सुनते ही आम होवे जां खास, देसी जां विदेशी, सब लोग इस वल खिंचे आते हैं। जे तुसी पटना तो गया वल जा रहे हो तो तंदरुआ और पटना तो मोकामा वल जा रहे हो तो बाड़, दोवां सड़कां विचों लंघण वाले लोग इतों के खोए और मावा की लाई का स्वाद जरूर लेंदे ने। स्वाद नाल भरपूर लाई की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस तत्थ तो लाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दे स्वाद तो अछू नहीं ने। हम लोग पटना से आ रहे हैं, बेगूसराय जा रहे हैं। रास्ता में यहाँ बीच में बाढ़ का लाई बहुत नामी है, मशहूर है, यहाँ हम लोग अक्सर आते हैं, खाते हैं। बाढ़ की लाई की विशेषता यह है कि यह कई दिनों तक खराब नहीं होती। इस तो इलावा बिना किसी फ्रिज के यह कई दिनों तक अपना स्वाद नहीं गवाती। हुण आओ लाई बनाउण दी विधि जानदे आं इत्थों दे कारीगरां दी जुबानी। इसमें इलायची लाई पड़ता है, एक सादा लाई भी बनता है इसका, वो स्पेशल है, वो मतलब इतना नहीं बुझाता है, वो उसमें चीनी की मात्रा कम रहता है, इलायची की मात्रा ज़्यादा रहता है। खोए का लाई हुआ ही ना, दोनों खोए का लाई हुआ, एक लाई हुआ जो कि थोड़ा कम भुजिया होता है, उसमें चीनी का मात्रा कम पड़ता है, एकदम नहीं के बराबर पड़ता है, उसका रेट ज़्यादा होता है, इसका रेट कम है। लाई का इतिहास भी अपने आप विच विलक्षण है। समय के नाल लाई बनाउण विच बहुत सारिया तब्दीलियां आईया। लाई सबसे पहले गोविंद साहब थे, उन्हीं के द्वारा मतलब कि इसका आविष्कार किया गया, जो अभी रामधानी साहब उनके जो बहुत ज़्यादा विस्तार में वही उन्हीं का दुकान चला, लेकिन वो गोविंद साहब जो थे वही लाई बनाते थे और खोइंचा में करके बेचते थे। बहुत सारे लोग बाढ़ दे राम पदार्थ साहब नू लाई दा जन्मदाता दसते ने, जिन्हां बचे हुए दुध नू बर्बाद होने तो बचाउण लई दुध दा मावा बनाया अते सादी लाई च मिला के मावेदार लाई तैयार कर दित्ती। अज शहर विच कई दुकानों समेत लगभग 60 लाई फैक्ट्रियां चल रही ने। औसतन रोजाना 100 क्विंटल लाई निर्मित अते निर्यात की जाती है। हर रोज़ 2.5 लाख की लाई विकती है। इस व्यापार तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ के रोजगार में नाम में बाढ़ का लाई धीरे धीरे मशहूर हो गया, और जो सबसे बड़ी बात है कि इस छोटे से व्यापार में कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों का जीविका चलता है, सबका रोजी रोटी इसी से है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार का कोई अनुदान, सहयोग, लोन का कोई प्रावधान नहीं। हुण गल करते हैं मसौदी दे तंदरुआ दे लाई दी, ता शुद्ध खोए दी इस स्वाद लाई अज तंदरुआ दी पहचान बन चुकी है। इस रस्ते तो बोध गया जान वाले अते उत्थों वापस आउंदे समय विदेशी सैलानी निशाने दे तौर ते इस लाई नूं अपने देश लै के जाना नहीं भुलदे। धनरुआ का लाई तो बहुत फेमस है, मतलब कि जब भी इधर से कोई भी मतलब हम है चाहे और कोई भी हो, गुजरते समय जरूर यहाँ से कोई लेता है। तनरुआ की सब तो पुरानी दुकान विजय लाई दुकान है, जिस दे वशजा ने लाई की शुरुआत की थी। रोजाना इतने लगभग 500 किलोग्राम की खपत होंगी है। इस वेले बाजार की कीमत 330 रुपए प्रति किलो तो लैके 350 किलोग्राम है। उस समय एक लाई बनाने लई 6.25 पैसे खर्च होंदे ने। इस दे नाल ही तंदरुआ दे राजमार्ग ते लाई दा बाजार सजाया गया है। आने वाला समय में अगर ऑनलाइन का डिमांड तो बहुत है, व्यवस्था नहीं अगर हो जाता तो ये 20 करोड़ का कारोबार यहाँ से और राज्यों तक चला जाएगा। व्यापारियों की मनिए जो सलाब दे खाजा की ऑनलाइन बिक्री हो सकती है तो लाई की मार्केट होर बढ़ सकती है, नाल ही जेकर इसकी डिजिटलाइजेशन हो जाए तो इसका कारोबार 4 चांद लगा सकता है। लाई का जो भी डिजिटल हो जाए तो हम समझते हैं कि सालाना इसका बिजनेस 7-8 करोड़ का हो सकता है, और पब्लिक को भी सुविधा होगा, बाहर में देश विदेश में जो आदमी बसे हुए हैं जो मंगवाते हैं, अगर डिजिटल हो जाए तो मने कि बाहर भी इसका डिमांड जाए। एक पासे जिथे देश भर में स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल दे जोर दिता जा रहा है, उथे ही लाई दे इन्ने वड्डे कारोबार दे डिजिटल और ऑनलाइन कारोबार से ध्यान नहीं है। बाढ़ और तंदरुआ की लाई
रूस अमेरिका अते इंग्लैंड तक पहुँचाई जा सकती है। जे लाई दे कारोबार नू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता है तो इसका स्वाद निश्चित रूप तो साढ़े लई अते लाई दे कारोबार लई भी एक नवा मुकाम देवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.